हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ अपने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ भुवनेश्वर में मौजूद एक फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है खंडगिरी पहाड़। और मैंने पिछले वीडियो में मेरा दिखा दिया था आपको ये जो उदयगिरी पहाड़, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खंडगिरी का पहाड़ पूरा टोटल इन डिटेल्स में। और ये पहाड़ दोनों ट्विन पहाड़ी हैं, मतलब एक रास्ता उनको जस्ट बीच में काटता है लेकिन दोनों अपने बगल में ही है। तो फिर चलिए ये पहाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूंगा और डिटेल्स में दिखा भी दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ये आप देख सकते हैं ये इसका एंट्रेंस है, इसका एंट्रेंस पूरा फ्री है। ये देखिए मैं जो बोल रहा था, ये रास्ता इन दो पहाड़ियों को सेपरेट करता है, ये उदयगिरी और ये इस तरफ खंडगिरी। ये रास्ता जस्ट है बीच में। देखिए मैं इस तरफ से आया था और पहाड़ चढ़ने के बाद पहला जो आपका बाएं तरफ रास्ता जाता है तो उसमें अगर आप आएंगे तो फिर गुंफा सब हैं उसमें, वहाँ पे पहले मैं वो बाएं तरफ का गुंफा आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन। खंडगिरी पहाड़ जो नाम है इसका मीनिंग है खंडित पहाड़ी। ये पहाड़ में जो केव्स सब कार्विंग हुई हैं ये 1st century BC में किंग खारवेलो बनवाए थे। बनाने का मकसद ये था कि जो जैन साधुज हैं तो उनका रहन सहन और तपस्या के लिए वो यूज कर सकते थे इसको। और तब जो राज्य का मतलब धर्म होता था वो जैनिज्म होता था। ये पहाड़ी का हाइट है 118 फीट और इस पहाड़ी में टल 15 गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी गुफाएं अभी टूट गई हैं और या ट्रेसेबल नहीं है। तो जितना भी अवशेष यहाँ पे है केव्स का मैं वो आपको आज पूरा इन डिटेल्स दिखा दूंगा घुमा के सीरियली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये नीचे फिर जाने से ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे तक, तो वहाँ पे गुफा एक है वो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। ये आप देखिए ये केव नंबर 1 है, तत्तोवा गुफा इसको बोलते हैं क्योंकि मतलब तोते के नाम से लिया गया है। क्योंकि यहाँ के जो एंट्रेंस में एक तोता वो कार्विंग हुआ था तो उसी के लिए ये तत्तोवा गुफा कहते हैं इसको। देखिए इसका ये एक रैक बनाया है, पूरा सेम टू सेम है जैसा कि उदयगिरी में देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे कुछ पुरानी लिखावट है।
ये कंपैरेटिवली एक छोटा सा गुफा है। यहाँ पे जो बरामदा है वहाँ पे बैठने की जगह बनाई गई है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। उस ऊपर में एक रैक है और सामने भी एक रैक है और नीचे आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा पिलर में बनाया गया है डिजाइन कार्विंग करके। और ये नेचुरल पिलर से अभी तक सपोर्टेड है, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं दी गई है। और ये देखिए गुफा के सामने ऐसा मूर्ति एक है। और यहाँ पे देखिए ये मूर्ति। चलिए फिर मैं आपको भीतर दिखा देता हूँ। दीवारें वही, मतलब जो एंट्रेंस है गुफा का, बहुत छोटी छोटी है। मैंने जो बोला था आपको, जैसे कि हम देखे थे उदयगिरी में, वो हूबहू वैसी ही है यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज। ये देखिए पिलो बनाने के लिए, तकिया बनाने के लिए ऐसा एक स्लोपिंग दिया गया है, मतलब ऊंचा का ऊंचाई वाला जगह है। यहाँ से स्लोप होके यहाँ तक आता था, पूरा सपाट बनाया गया है ताकि साधु जो होते थे वो रात को सो सके आराम से। यहाँ पे डोर्स हुआ करती होंगी लेकिन अभी तो नहीं है। और ये नीचे तक ये जाता है, कोई आता जाता नहीं है। चलिए फिर मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या और है। मुझे तो लग रहा है खाली ऐसा ही जंगल का एरिया है, फिर भी थोड़ी देर जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दूसरे गुफाओं की ओर जाएंगे। इस खंडगिरी पहाड़ का मेंशन, मतलब वर्णना की गई है फेमस जो बुक है मालिका, मतलब भविष्य के बारे में जो लिखी गई थी वो भविष्य ग्रंथ मालिका में। ये पंच सखा के, मतलब एक सखा पंच सखा के मध्य एक सखा जो थे श्री अच्युतानंद जी, उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये यही जंगल का एरिया पड़ता है यहाँ पे। चलिए और कुछ यहाँ पे है नहीं देखने के लिए। और यहाँ पे एक फेमस सब साधुएँ आते हैं, इंडिया भर से साधुएँ आते हैं, माघव मेला एक होता है तो ये उसी वजह से भी फेमस हैं, तो लोग सब आते हैं उन साधुओं को दर्शन करने के लिए। यहाँ पे यज्ञ भी होता है। केव नंबर 1 तो मैंने आपको दिखा दिया है अभी, तो चलिए फिर और क्या केव्स हैं। ये देखिए केव नंबर 2, वही तत्वा गुफा के नाम से ये जाना जाता है।
देखिए यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। ये सेमी सर्कुलर बनाया गया है इसका रूफ को, और ये नीचे वही फलर है, ऊपर की ओर तकिए के जैसा हाइट है और नीचे को ढलान है। ये गुफा जो है इसका तीन द्वार है और दो पिलर से इसको सपोर्ट दिया गया है। ये जो पिलर ये नेचुरल है। यहाँ पे ये डिजाइन आप देख सकते हैं, ये टूट गया है। ये एक देवी की मूर्ति लग रही है मुझे। तो चलिए फिर ऊपर के ओर चलते हैं और वहाँ पे क्या गुफाएं हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये उदयगिरी कैब्स दिखाई दे रही हैं। आप और आते हो यहाँ से, मैं आया था अभी, तो ये दृश्य आपको दिखने मिलेगा। ये एक हवन कुंड बनाया गया है यहाँ पे, जब वो माघो मेला होता है मैंने जैसा बोला था आपको, तो यहाँ पे साधु लोग सब यज्ञ करते हैं। ये केव नंबर 3 है, इसको अनंत गुफा के नाम से जाना जाता है। अनंत गुफा इसका नाम है क्योंकि यहाँ के मेहराब में सांप का कार्विंग हुआ है। तो देख लीजिए, मैं पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख लीजिए, ये पूरा गुफा है और ये इसका 3 पिलर्स में सपोर्ट दिया गया है और इसमें दरवाजे लगे हैं। क्योंकि जो साधु यहाँ पे है मठ चलाते हैं, ये इनके तत्वावधान में रखा गया है, वहाँ पे वो रहते हैं, उनका सामान रखते हैं, ये स्पेशली माघ मेला में यूज होता है। देख लीजिए, मैं फिर दिखाता हूँ आपको पास से। ये देख लीजिए यहाँ पे साइड में कार्विंग। ये देखिए, मैं जो बोल रहा था मेहराब में स्नेक का स्कल्पचर हुआ है, तो ये देखिए स्नेक है वहाँ पे। यहाँ पे वही जो है बनाया गया है एक रैक। ये इसका मेहराब आधा टूट गया है, पूरा बड़ा वाला गुफा है। पिलर में एक कार्विंग है ऐसा, और ये दूसरे पिलर में। ये तीसरे पिलर में आप देख सकते हैं। इस तरफ का जो रैक है वो अभी टूट गया है। ये देखिए अंदर का 3 द्वार है इसके। यहाँ पे पूरा बढ़िया से दिख रहा है, टूटा नहीं है, छोटा सा द्वार है। यहाँ पे जो कार्विंग हुआ है वो पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से ये सांप का आकृति बनाया गया है।
तो इसी वजह से इसको अनंत गुफा बोलते हैं। ये इस यहाँ पे जो है इस खंडगिरी में 24 जैन तीर्थंकर का जो है मूर्ति अलंकृत किया गया है। यहाँ पे वो ताला लगा के रखते हैं, अंदर किसी को नहीं छोड़ते हैं। चलिए फिर अगले गुफाओं की ओर। ये अनंत गुफा से आप अगर आएंगे बाएं तरफ तो ये भुवनेश्वर का दृश्य आप देख सकते हैं सामने मेरे। ये वहाँ पे एक प्लेन भी है भुवनेश्वर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पे। यहाँ पे मेरा कैमरा दिखाई देता है कि नहीं ये तो मुझे ठीक से मालूम नहीं हो रहा है। चलिए नीचे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा जरूर। यहाँ से देखिए ये मेन गेट है, मैं आया था वहाँ से। ये नीचे बाराभुजी गुफा है, हम जाएंगे आपको दिखाएंगे हमें बाद में। अभी मैं उसका रूफ के ऊपर का भाग में हूँ। यहाँ पे जो पुराना वाला जैन मंदिर था वो शायद ये है। तो ये देख सकते हैं आप। मैंने आपको अभी वो मंदिर दिखाया है, उसका अंदर का दृश्य पूरा दिखा दिया है। तो फिर चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए जो जैन मंदिर नया वाला कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसका दीवार है और आगे उसका गेट दिखाई दे रहा है मुझे। ये कुछ मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे ताला दिया गया है, डाल दिया गया है। ये सब टूट गया है, फिर मतलब यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये क्यों है ऐसा, ये तो मुझे पता नहीं, पता करना होगा फिर मैं जाके आपको बता सकता हूँ ये क्यों बंद रहता है।
ये देख सकते हैं आप, ये जैन टेंपल मैं दिखा रहा था आपको, वो जैन टेंपल के पीछे वाले गली से आप अगर आते हो ये रास्ता कहाँ जाता है हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जिसमें कि कुछ धागा भी बंधा हुआ है, तो ये यहाँ पे पूजा पाठ होता होगा। तो चलिए फिर मैं इस जो जैन मंदिर है मैं उसके साइड में, ठीक देखिए आप उसका वॉल है ठीक साइड में, फिर चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए मैं आके पहुंच गया हूँ अभी ये आकाशगंगा के पास, इसको आकाशगंगा बोलते हैं। मानना ये है साधुओं का, ये कहावत है कि ये कभी सूखता नहीं है। जो माघ मेला होता है यहाँ से पानी लेके सब स्नान आदि कर्म करते हैं साधु लोग, और उनके पूजा में भी ये पानी लगता है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी जो है यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को लेके आना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि डेंजरस एरिया है। यहाँ पे अगर कुछ होता है एक्सीडेंटली तो सहायता मिलने में बहुत देरी लगेगी। मैं खाली आया था आपको दिखाने के लिए कि ऐसा एक आकाशगंगा नाम का एक मतलब कुंड है यहाँ पे खंडगिरी में, तो वो आपको दिखा दिया हूँ मैं। ये नीचे आश्रम है और एक गुम्फा भी है यहाँ पे। चलिए फिर दिखा देता हूँ दूसरे गुम्फा के ओर चलते हैं अभी। ये देखिए आकाशगंगा के फिर पास में अगर आप आएंगे नीचे, ये इसका रास्ता भी है बारहभुजा गुम्फा के ओर इसका रास्ता है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ से आया हूँ। तो ये फिर ये गुम्फा सब ऐसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, बड़े बड़े दीवार हैं यहाँ पे। मैं आपको इन डिटेल्स पूरा व्यू इसका दिखा रहा हूँ। पहले ये पूरा वेल डिफाइंड गुम्फा थे, अभी ये टूट फूट गया है। ये गुम्फा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गुम्फा केव नंबर 11 धोलाटेंडु केसरी गुम्फा इसको बोलते हैं। ये अभी यहाँ से इरेज हो गया है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये देखिए कितना ऊंचा है, ये इसका छत वहाँ तक है, लेकिन ये गुफा पूरा बहुत हाइट वाला दो मंजिला गुफा शायद रहा होगा ये, लेकिन अभी टूट गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो जो जैन तीर्थंकर हैं उनका मूर्ति है, सब वेल डिफाइंड मूर्ति। यहाँ पे जो है सीढ़ी टाइप थोड़ा थोड़ा है, अगर कोई चाहे एडवेंचरियस तो जा सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना भी मुझे चढ़ने का स्किल्स नहीं है, तो ये रिस्क हो सकता है। मैं आपको यहीं से ही दिखा देता हूँ। ये जो है ये गुफा बहुत बढ़िया गुफा है। यहाँ पे आगे आने से ये देखिए यहाँ पे पूजा किया जाता है, दीप भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक सुरंग है जैसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे ये लला टेंडू के सारी जो गुफा है उसके पास उसी के पत्थर में नीचे के ओर एक ये सुरंग जैसा है, ये पत्थर से इसको बंद किया गया है ऐसा लग रहा है। देखिए पूरा सुरंग एक है, आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। लोकल जो साधु हैं बोलते हैं यहाँ पे गुप्त रूप से साधु सब यहाँ पे ध्यान मग्न है और यहाँ पे ओंकार का शब्द सुनाई देता है ऐसा वो बोलते हैं। मुझे तो ठीक से पता नहीं इसका सत्यता क्या है। यहाँ पे भी देखिए खुले में ये टूट गया होगा शायद ये गुफा, ये वेल डिफाइंड मतलब गुफा रहा होगा, अभी ये टूट गया है। तुम देखिए इसका मूर्तियाँ जो है पूरा बढ़िया से दिखाई दे रही हैं। ये गुफा नंबर 10 है, इसको अंबिका गुफा बोलते हैं, लेकिन इस गुफा का जो कह सकते हैं आप ये अवशेष खाली है ऐसा दीवार के तरह। ये पूरा वेल डिफाइंड गुफा जो कहते हैं उसको तीन तरफ से एक मतलब एक छत होना चाहिए और दो दीवार होना चाहिए एटलीस्ट, वो अभी नहीं है। और ये इसका हाइट देख के मुझे लग रहा है कि ये दो मंजिला होगा। ये देखिए ये एक राधा कुंड इसको कहा जाता है। ये अगर आप आते हो ये केव नंबर 10 और 11 से अगर आप आते हो तो
तो ये सीधे रास्ते में पड़ेगा, ये राधा कुंड इसको कहा जाता है। ये पूरा जंगल के बीचों बीच ये देखिए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा जंगल के बीचों बीच है। कोई फैमिली पर्सन ना आए तो ठीक है, क्योंकि ये मतलब सेफ नहीं रहेगा। ये केव नंबर 12 है। देखिए ये केव नंबर 12 जो है ये यहाँ पे देखिए, ये सब टूट फूट गया है यहाँ पे। ये महाराज अर्खित दास यहाँ पे जोग साधना करते थे। चलिए आगे चलते हैं। ये केव नंबर 13 है, तो ये देखिए यह भी टूट गया है। ये इसको जो लोकल के जो साधु हैं ये बोल रहे हैं कि ये इसको सर्प गुफा बोला जाता था। यहाँ पे एक सुरंग का जैसा यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरा फ्रेम में। यहाँ पे उसका पिलर रहा होगा, तो ये इतना दूर तक वो आया होगा ये छत उसका। अभी पूरा ये टूट गया है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे नॉलेज में जो था अभी तक आज तक कोई इसको दिखाया नहीं है, तो मैं इसको पहली बार दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से भुवनेश्वर का दृश्य दिखाई दे रहा है पूरा बढ़िया से। ये देखिए इसको श्याम कुंड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बाना उड़ रहा है, ताका उड़ रहा है। गंगा माता लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्खित दास यहाँ पे आते थे, ये बहुत पौराणिक जगह है और मेरे हिसाब से ये पहली बार आपको दिखा रहा हूँ मैं। किसी ने अभी तक ये जगह आपको दिखाई नहीं होगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं।
ये केव नंबर 14 है। देखिए ये पूरा जैसा कि पहाड़ी का पूरा एंड है, यहाँ से नीचे की ओर जाता है पहाड़ी। अर्खितदास जो साधु थे, सिद्ध साधु, वहाँ पे यहाँ पे बैठ के वो पूजा करते थे। ये देखिए अभी भी साधु लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रसोई करते हैं, यहाँ पे हांडी सब है, यहाँ पे चूल्हा भी है, सब व्यवस्था है। ये बहुत छोटी सी गुफा है, हार्डली भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये पेड़ साधुओं ने, ये आमला जो बोलते हैं, अच्छा है। ये फल है यहाँ का, उस पेड़ का, तो ये आमला का पेड़, तो यहाँ पे पूजा करते हैं इसको। वो देखिए ललाट केसरी गुफा, जो अर्खितदास का गुफा मैं बोल रहा था। देखिए ये एक गुप्त गुफा है, जो कि आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, नहीं तो ये जंगल का रास्ता है, बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए। और एंटी सोशल्स भी हैं यहाँ पे, जो कि वाइन का बोतल यहाँ पे पड़ा हुआ मुझे मिला है। ये देखिए गुफा का अंदर ऐसा है। ये देखिए ये गुप्त गंगा का गुफा है। देखिए यहाँ पे पूजा पाठ भी हो रहा है अभी।
ये देखिए हवन काट यहाँ पे रखा गया है, ये चूल्हा है और यहाँ पे धूप दीप सब यहाँ पे है। यहाँ पे पूजा पाठ करके फिर साधुएं अंदर आते हैं। ये गुप्त गंगा है, हर वक्त यहाँ पे पानी मौजूद रहता है। ये आप देख सकते हैं अभी ये एक साधु महाराज जो मेरे साथ आए हैं, देखिए वो लेके आएंगे अभी वो पानी। अभी पानी ला रहे हैं बोतल से, देखिए ये पानी गुप्त गंगा का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। सब गंगा के जितना गंगा है तो ये उनमें से एक गंगा है। मैंने आकाश गंगा आपको दिखाया था, ये वो गुप्त गंगा है। ये एक सुरंग जैसा बना है, उसमें हर वक्त यहाँ पे पानी रहता है। जब माघ मेला होता है तो हर साधु यहाँ से लेके पानी जाते हैं, फिर यज्ञ पाठ होता है, यहाँ से पानी लेके फिर यज्ञ होता है। ये जो फील्ड आप देख रहे हो ऐसा सपाट फील्ड, इसको देव सभा बोलते हैं। इसका एक साइड में अगर आप जाओगे तो ये ललाट गेंडू केसरी गुफा और आकाशगंगा मिलेगा, और दूसरे साइड में अगर आप जाओगे आओगे तो गुप्त गंगा और काली गुफा भी आपको मिलेगा। देख सकते हैं ये वो जैन मंदिर है, यहीं पे 18वीं सदी का एक जैन मंदिर, पुरातन जैन मंदिर हुआ करता था, और यहीं पे वो नया वाला जैन मंदिर बना रहे हैं पूरा शीर्ष में खंडगिरी पहाड़ का। लेकिन कुछ अभी वो उसका काम चल रहा है, देख सकते हैं आप भग्न अवस्था इसमें अवस्था में है ये। तो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फिर आके दिखा दूंगा ये उसके अंदर का दृश्य। ये आप देख सकते हैं वहाँ से व्यू, यहाँ से ही आया था क्योंकि ये इसका सीधा रास्ता यहाँ से ही होके जाता है। चलिए फिर नीचे चल के और दूसरे गुफा आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये केव नंबर 4 है, इसको तेंतुली गुफा कहा जाता है। देखिए ये जो केव नंबर 4 था तेंतुली गुफा, ये उसका वरांडा है आगे का भाग। यहाँ पे देखिए एक स्कल्प्टेड मूर्ति है इसके पिलर में, ये बहुत छोटा गुफा है, ये एक ही पिलर में रेस्ट करता है सामने। ये जब देखिए जो आ रहे हैं अभी, ये सामने से आप अगर आएंगे तो पहला बाएं तरफ पहला गुफा जो पड़ेगा थोड़ा ऊपर आके, तो वो केव नंबर 4 वो है, उसको तेंतुली गुफा बोलते हैं। अभी मैं ये दिखा देता हूँ, ये तेंतुली गुफा का जो दो एंट्रेंस है डोर्स। अंदर अभी चलते हैं, बहुत छोटा सा गुफा है जैसा कि मैंने बोला था आपको,
तो इसके अंदर खड़ा होना, खड़ा नहीं हो सकते आप। इसका रूफ बहुत लो लाइंग है। यह आप देखिए, मैं आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग करके दिखा रहा हूँ अभी। यह देखिए, वही एक ही टाइप का आर्किटेक्चर है, मतलब ये नीचे का भाग सपाट है और ऊपर थोड़ा स्लोपिंग दिया गया है, क्योंकि इसको तकिए की तरह व्यवहार करते थे जैन साधु रात को सोने में। और यह अभी टूट फूट गया है, देख सकते हैं आप, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो अभी मैंने दिखाया है केव नंबर 4, उसके पास साइड में वो देखिए केव नंबर 4 है, और उसके साइड में मैं ये अनंत गुफा से यहाँ से आया था, और उसके साइड में ये गुफा एक है, ऐसे ही छोटा वाला गुफा है, इसका नाम तो कहीं पे लिखा नहीं है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ये उसके ऊपर के स्टोरेज में ये गुफा देखिए। ये देखिए यहाँ का बंदर सब यहाँ पे आ रहे हैं, मूंगफली जो विजिटर्स उनको देते हैं। कोई मूंगफली देते हैं, कोई कोई बिस्किट देते हैं, और केले भी देते हैं उनको। ये चलिए कौन सा गुफा है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये गुफा नंबर 5 है, इसको खंडगिरी गुफा बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया गया है इसको, ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल सपोर्ट है और ये खुला खुला सा है, इसके अंदर आप खड़े हो सकते हैं। और वही सेम आर्किटेक्चर, मतलब पिछले का भाग स्लोपिंग है, ऊंचा वाला है, और ये नीचे का और स्लोपिंग है। ये देखिए बंदर सब ये रेस्ट ले रहे हैं, ये एक यहाँ पे सोया हुआ है और दूसरा वहाँ पे थोड़ा नैप ले रहा है, ये भी यहाँ पे देखिए कितने आराम से ये सोए हैं। ये सामने अब इस तरफ से ये मेन रोड है, मेन रास्ता है, तो इस तरफ से आने से ये सामने आपको केव नंबर 5 मिलेगा पूरा सामने। देखिए ये खंडगिरी का बंदर, ये एक बहुत छोटा सा बेबी उसके मदर के पास है, देख सकते हैं आप, और दूर से भी देख सकते हैं एक वहाँ पे भी है। ये दो सिंहों का स्टैचू है।
देखिए ये केव नंबर 6 है, इसको ध्यान गुम्फा के नाम से जाना जाता है। ये वही टूट फूट गया है, पूरा खुला है ये केव। ये यहाँ से शायद होगा वो उसका दीवार टूट गया है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है ये ऊपर का भाग। ये मिट्टी फिट्टी सब हो गया है, इसका नीचे का जो भाग है सरफेस फर्श जो है वो मिट्टी हो गया है। केव नंबर 7 है, इसको नवमुनि गुफा के नाम से जाना जाता है। नवमुनि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस गुफा में जो है 9 जैन साधुओं का, जैन जो तीर्थंकर थे उनका सब प्रतिमूर्ति कार्व्ड है। बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही हैं। चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये 2 पिलर्स में रेस्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आर्टिफिशियल पिलर्स सपोर्ट दिया गया है इसको। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्विंग्स बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ ये नीचे का रो का जो सब स्कल्पचर्स है, फिर ऊपर का अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ पुरानी लिखावट है जो कि शायद वही ब्राह्मी लिपि में होगा। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स या लिखा या लिखावट थी, लेकिन ये अभी सब नष्ट हो गया है। ये जो बोलते हैं खंडित पहाड़ी, ये ट्रूली रिजेंबल करता है उसको, क्योंकि सब गुफा है तो कुछ ना कुछ टूट गई है। और आगे चलने से एक मंदिर है महादेव का, ये नवग्रह।
ये आप देख सकते हैं, ये बारह भुजा गुम्फा इसको कहते हैं। बारह भुजा गुम्फा कहते हैं क्योंकि बारह भुजा दुर्गा यहाँ पे विराजमान है। यहाँ उनका हवन कुंड है और ये एक अन्यतम पीठ है क्योंकि बारह भुजा के जस्ट सामने, पूरा आमने सामने काली माता भी हैं, पूजा किया जाता है। देखिए पूरा उनके सामने ये काली माँ। यहाँ पे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का मूर्ति विमान में रखा गया है। यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिफिशियल लाइटिंग करके। ये सब मूर्तियाँ स्कल्पचर्ड है, मतलब दीवारों पे खुदे खुदाई करके हुई है। ये जो पूजा हो रहे हैं अभी, देवी माता का पूजा हो रहा है तो उसी वजह से उसका धुआं आके यहाँ पे काला हो गया है ये दीवार, तो ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। आगे आने से ये हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पे है, हनुमान जी पूजा पाते हैं यहाँ पे। ये हनुमान चालीसा उनका श्लोक पूरा लिखा गया है यहाँ पे। ये इसको महावीर गुफा कहते हैं। यहाँ का जो लोकल पुजारी थे, मैंने उनसे पूछा और वो बताया कि ये गुफा को जो बारह भुजा गुफा के पास ही है तो उसको महावीर गुफा कहते हैं। यहाँ पे जो ये मठ है, आश्रम है नीचे, बारह भुजा आश्रम, वो यहाँ पे उनके पुजारी रहते हैं और ये परिचालना करते हैं इस आश्रम को, इस गुफा को। जैन कारुकृति, जैन तीर्थंकर उनका और पार्श्वनाथ जो थे उनके तीर्थंकर, उनका स्टैचू। अगर कुछ भूल मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा आपके वाइटल कमेंट्स देके। आई ऑलवेज वेलकम कमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस एंड व्हाट टू डू टू इम्प्रूव माई चैनल कंटेंट। तो प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूम हो तो मुझे थोड़ा मालूम करवा दीजिएगा, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि जो है भूल तथ्य देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये बारह भुजा गुफा के जो ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं उसको आपको दिखाया था पुरातन जैन मंदिर बोल के, लेकिन वो मैंने गलत बोला था, ये सूर्य मंदिर इसको कहते हैं। ये सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ये जो खंडगिरी का पहाड़ है वो है, ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये जो मेन गेट है जहाँ से शहर कोई अप्रोच करता है, लेकिन ठीक 6 बजे इसको सिक्योरिटी के रीजन से बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई रह गया होगा तो जो 12 भुजा मंदिर में दिखाया हूँ आपको, वो 12 भुजा आश्रम उसके जस्ट नीचे है, पहाड़ी के नीचे उस तरफ से एक रास्ता जाता है उस आश्रम को, तो आप वहाँ से होके जा सकते हैं। अगर ये गेट आपको बंद मिलेगा तो कोई डरने की बात नहीं है, आप उस तरफ से भी आश्रम के परिसर के माध्यम से होके जा सकते हैं। मैं जब नीचे जाऊंगा तो वो आश्रम आपको दिखा दूंगा। वो बोल रहा था ये खंडगिरी 12 भुजा आश्रम, ये उसका एंट्रेंस है और ऊपर आप देख सकते हैं वो खंडगिरी पहाड़ी है। तो आप अगर आपको देरी भी हो जाए तो आप यहाँ से इस आश्रम के परिसर से होते हुए आप निकल सकते हैं। ये पेड टॉयलेट की सुविधा यहाँ पे विजिटर्स के लिए है। वो जो 12 भुजा मंदिर है उसका जो परिचालना होता है वो जो मंदिर के पुजारी है, यही आश्रम को बिलोंग करते हैं। ये डबल स्टोरेड बिल्डिंग यहाँ पे एक है और ये वो 12 भुजा मंदिर है, यहाँ से उसका अप्रोच है। ये देखिए पूरा इतना सीढ़ी, आपको इस तरफ से अगर जाएंगे तो इतना सीढ़ी आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर देरी हो जाता है शाम के वक्त तो संध्याकालीन आरती होता है वहाँ पे, तो वो देख के आप यहाँ से भी नीचे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये वीडियो में मैंने आपको टोटल दिखा दिया है खंडगिरी केव्स के बारे में और क्या क्या सब केव्स है। हार्डली एक आध गुफा मुझसे छूटा होगा तो होगा, क्योंकि ये बहुत दुर्गम जगह पे अवस्थित है। यहाँ के साधु को भी, जो लोकल से यहाँ पे रहते हैं साधु, उनको भी ये मालूम नहीं होता है शायद, तो वो भी मुझे ठीक से बता नहीं पाए हैं। बाकी सब केव्स जो जा सकता था मैं, तो वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलती है, हमारा परिश्रम का फल मिल जाता है हमको लगता है। और आप अगर चाहे तो वो बेल आइकन को थोड़ा दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब नया नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपके पास पहला वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं मेरे सब कंटेंट्स को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।